फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 2017 डिवाइस राउंडअप जो प्रस्तुत कर रहा है द मोबाइल इंडियन, आपका टेक दोस्त। जो आज हम आपके सामने लिस्ट पेश कर रहे हैं टॉप 5 प्रीमियम स्मार्टफोन्स इंडिया में जो 2017 में लॉन्च। इस लिस्ट को चुनने का दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि जो भी फोन 30,000 रुपए से ऊपर है एक और 2017 में वो लॉन्च होने चाहिए। उसके अलावा हमने इस लिस्ट को प्रस्तुत करते समय किसी एक फिक्स ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा है, बस टॉप 5 ही टॉप 5 है हर जगह पे। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं विवेक। सो विवेक, सबसे पहला फोन इस लिस्ट में है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। गैलेक्सी नोट 8 की क्या खासियत थी? सैमसंग नोट 8 की अगर बात करें तो उसकी खासियत की बात करें तो डिस्प्ले इसका बेहतर है और इसका व्यू एंगल है, अगर किसी भी धूप में या सनलाइट में उसको देख सकते हैं। पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी ये फोन मुकाबला करती है बाकी डिवाइस से, और कैमरा इसका बेहतर है तो बाकी डिवाइस कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो जैसे भी किसी भी अगर फोन की बात करें, किसी स्मार्टफोन की बात करें, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए और उसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, तो इन तीनों मापदंड पे ये फोन खरा उतरता है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें इस फोन की, सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट इस फोन में था कि जिसका फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी प्लेसमेंट एकदम घटिया है। जो ये प्लेसमेंट है, ये पीछे कैमरा जो लेंस है, कैमरा लेंस के बगल में फिंगरप्रिंट सेंसर दे के रखा है, तो उससे क्या होता है कि अनुमान ज्यादातर जब भी आप फोन को अनलॉक करने के लिए जाते हैं तो आपकी जो उंगली है लेंस पे टच करती है तो लेंस के ऊपर स्मजिंग आ जाती है, वो गंदा होता रहता है, तो एकदम टोटली ऑफ है उसकी लोकेशन। और दूसरा, बैटरी विभाग में ये फोन एवरेज है, एक फुल रिचार्ज में हैवी यूसेज में ये आपको 7 से 8 घंटे का बैकअप दे रहा है, जबकि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो 10 घंटे का बैकअप आपको दे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे फोन की तरफ। दूसरा फोन लिस्ट में हमारे पास है आईफोन 10। So, Bibik, iPhone 10 की क्या खासियत है? इसकी खासियत की बात करें तो जैसे कि एप्पल के जो डिवाइस होते हैं हमेशा लोग इसको फॉलो करते हैं और जब भी एक बिकता है तो मतलब काफ़ी संदेह मिलता है, डिवाइस पसंद करते हैं। और खासियत की बात करें तो डिस्प्ले इसका बहुत ही प्यारा रहता है, पूरा डिस्प्ले फुल मतलब कि पूरी स्क्रीन को कवर करता है, पूरे फ्रंट को कवर करता है इसका डिस्प्ले, तो 18:9 रेशो में है, काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो याद ये मुकाबला करते हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अगर फ्लैगशिप डिवाइस की बात करें तो परफॉर्मेंस मायने रखता है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। और इसी खासियत बात है, खासियत है कि कैमरा इसका अच्छा है, अगर कैमरा देखे जाए नाइट विजन में या ब्लू लाइट में तो वहाँ पे अच्छा काम करती है। राइट, और अगर इसकी खामियों की बात करें तो इस फोन के लिए जो डिस्प्ले एप्पल ने बनाया था वो टॉप नॉच टाइप है, कटा हुआ ऊपर नॉच है जहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, जहाँ पर आपका एयर पीस है, तो वहाँ का स्क्रीन कटा हुआ है हल्का सा, तो उस चक्कर में बहुत सारे ऐप्स को यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है और दिखने में काफी अटपटा सा लगता है ये डिस्प्ले इसका उस टाइम पे। और उसके अलावा इसकी एक और खामी यही है कि ये बहुत ही महंगा फोन है। एप्पल से वैसे आप सस्ते फोनों की उम्मीद कम ही करते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महंगा है। बहरहाल अब मूव करते हैं अपने अगले फोन की तरफ जो है LG V30 Plus। सो विवेक, V30 Plus की खासियत क्या है? LG ने हाल ही में V30 Plus फोन को लॉन्च किया है भारत में, तो उसकी खासियत की बात करें तो उसका ये डिस्प्ले अच्छा मिलता है आपको, और अब फ्लैगशिप डिवाइस से हम उम्मीद करते हैं परफॉर्मेंस अच्छा है आपको उसमें, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है LG V30 Plus में। राइट, और अगर इस फोन की नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें दो खामियां है कि एक, जब आप फोन को एक एंगल से देखेंगे और उसी चीज को दूसरे एंगल से देखेंगे आपको कलर चेंज होते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोन को ऐसे देख रहे हैं तो एक कलर नजर आएगा और हल्का से टिल्ट करके देखेंगे तो दूसरा कलर नजर आएगा, और वो कलर यूजुअली ब्लू कलर का टेंज होगा, वो आपको उसे कहते हैं कलर शिफ्टिंग कहा जाता है उसे, तो कलर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा आपको। और दूसरी खामी इसमें है कि लो लाइट में कैमरा के पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले फोन की तरफ जो हमारी लिस्ट में है, वो है OnePlus 5T। विवेक, OnePlus 5T की खासियत? तो अगर OnePlus 5T की बात करें तो ये कंपनी का लेटेस्ट फोन है और इसमें बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर किसी डिवाइस फ्लैगशिप डिवाइस की बात करें तो जो भी फोन होते हैं उसमें 8 घंटे 10 घंटे पूरी बैटरी बैकअप देती है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये ज़्यादा थोड़ा बैटरी बैकअप देता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि ये नहीं दिख सकते इसकी बात मैंने कहा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है आपको, और
प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बजट में आ सकता है, रियल फोन है लेकिन बजट में आ सकता है क्योंकि इसका प्राइस अराउंड 36,000 रुपीज है। तो OnePlus T एक ऐसा फोन है जो फ्लैगशिप भी है और साथ ही साथ आपकी जेब पे वो डाका नहीं डालता है, आपकी जेब पे ये फोन भारी नहीं पड़ता है। तो अगर कमियों की बात करें, OnePlus 5T का जो फेस अनलॉक फीचर है वो लो लाइट में अच्छे से काम नहीं करता है, ज्यादातर वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको पिन लॉक के लिए जाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट लॉक के लिए जाना पड़ेगा, तो फेस लॉक तो उस टाइम पे भूल जाइए आप। तो इसके साथ मूव करते हैं अपने इस लिस्ट के आखिरी फोन की तरफ जो है Pixel 2 XL। विवेक, Pixel 2 XL खासियत क्या है? Pixel 2 XL की अगर बात करें तो यहाँ पे कैमरा अच्छा मिलता है आपको, क्योंकि Pixel के फोन जो पुराने जो बाकी जो फोन आया था उसमें भी कैमरा अच्छा मिला था, तो यहाँ पे कैमरा अच्छा मिलता है। स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस है तो इसमें अपडेट जल्दी से कंपनी दे देगी और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, तो यहाँ पे आपका ये फायदा मिलता है आपको। राइट और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें भी टिल्टिंग शिफ्ट का इशू दिखता है, यानी कि अगर आप फोन को एक एंगल से देख रहे हैं और उसी चीज को आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो कलर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। उसके अलावा बैटरी इसकी अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि एक फ्लैगशिप फोन से कम 10 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करते हैं, पर यह भी 7.5-8 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप देता है। और इसके अलावा इस फोन में 3.5mm जैक नहीं है, यानी कि आप इसमें हेडफोन नहीं लगा सकते। और थोड़ी हैरानी की बात यह है कि जब एप्पल ने लास्ट ईयर अपना फोन लॉन्च किया था और उन्होंने अपने फोन में 3.5mm जैक नहीं दिया था तो गूगल ने काफी मजाक उड़ाया था एप्पल का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका खुद मजाक उड़ रहा है इस फोन में जो 3.5mm नकारात है। तो इसके साथ हमारा ये वाली लिस्ट टॉप 5 प्रीमियम स्मार्टफोन्स की यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए द मोबाइल इंडियन और जानिए देश विदेश की टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरोताजा खबरें।